छोटा चीज लेके आया हूँ लेकिन आते आते पता चला कि इसका कुछ सामान रास्ते में गिर गया जिस वजह से ये अच्छे से अब काम नहीं कर रहा है। नहीं तो बहुत मजा गुड मॉर्निंग गाइस एक बार आप सभी को फिर से स्वागत है अनिस आनंद ब्लॉग्स में उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो गाइज बहुत दिन से मेला घूमना था तो अभी हम और दोनों जा रहे हैं मेला तो यहाँ पे जो मेला लगा है तो आपको भी मेला में उस शेयर कराएंगे और भी क्या क्या खाएंगे पिएंगे कुछ घूमेंगे गुमेंग घूमेंगे तो नहीं चढ़ने मतलब वो सब जो है ब्रेक डांस वगैरह लेकिन कुछ खाएंगे पिएंगे और अगर कुछ दीदी को सामान वमान खरीदना हुआ तो खरीदेगी तो वो सब आपको दिखाएंगे और पूरी अच्छा तरीका से मेले को इंजॉय करेंगे तो चलिए फिलहाल अपना घड़ी पहनता हूँ और तैयार होता हूँ तो ये रही बाइक की चाबी इसे लेता हूँ और चलता हूँ बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो फिलहाल बाइक को स्टार्ट करूंगा और सीधा निकलूँगा मेला के ना बाइक बाइक भी स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे मेला आ चुके हैं और सबसे पहला काम दीदी को ये झुमका वगैरह कुछ लेना था तो जो एज यूज़ुअल होता है लड़की सबका तो फिलहाल एक झुमके का शॉप में हो तो फाइनली ये दो झुमका वो लिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं इस दुकान में क्या मिलेगा इस दुकान में मुझे एक दो फिंगर रिंग पसंद आया मतलब लड़के का है। तो चलिए मेरे को एक पसंद आया तो एक मैंने यहाँ ले लिया तो आपको दिखाता हूँ ये देखिए ये रहा ये मतलब घूमता भी है तो अच्छा लगा तो ये ले लिया गाइस फिलहाल यहाँ सबसे पहले रस मलाई से स्टार्ट हो रहा है तो मेला घूमा तो हो गया अब सोचे कि चलो यार थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लिया जाए तो फिलहाल एक प्लेट रसमलाई महंगा है देखने से तो अच्छा लग रहा है लेकिन टेस्ट करने के बाद पता चलेगा क्या तो चलिए रसमलाई खाते हैं और इन्जॉय करते हैं तो रसमलाई तो हो गया अब आया है डोसा देख के तो अच्छा ही लग रहा है तो टेस्ट भी अब ठीक ही था थोड़ा सा टेस्ट करके भी देखें मतलब अच्छा हो सब बस लेकिन गांव के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है तो इससे अब आगे बढ़ते हैं तो ये बनाए मंचूरियन इसके बारे में क्या ही बताएँ तो हमारा बचपन का प्यार वो कॉटन कैंडी बहुत सारे लोग इसे बुढ़िया का बाल भी कहते थे, थे और ना जाने क्या क्या बोले जाते थे थे तो बीस बीस रुपए करके ये मैंने ले लिया अब आगे बढ़ते हैं तो आगे अब फिर इसे दे को कुछ चूड़ी वगैरह लेना था तब यहाँ चूड़ी का दुकान में आए तो अब देखते हैं उसे चूड़ी पसंद आता है कि नहीं पसंद करेगी और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो चलिए फ़िलहाल आपको मेला का सैर कराता होता हूँ तो अभी देख लेट हो गया था लेट से आया था तो सब बच्चे सब चल गया है वहाँ देखिए बाइक हो गया ये कार हो गया अभी कोई बच्चा नहीं है क्योंकि लिए शाम हो गया मतलब ये गांव है तो आठ बजे तक सब शांत हो जाता है तारा माची भी रुक चुका है टेम्पलिंग भी देख सकते हैं बस अभी ब्रेक डांस ही इकलौता था जो चल रहा है और ये रहा मौत का कुआँ ये भी किसी दिन ज़रूर देखेंगे तो ये देखिए ये रहा जेहरी मुझे एक साइड बाइक का रिंग चाहिए था तो ये पसंद आया क्यूट सा लग रहा था तो ये ले लिए मुझे तो बहुत पसंद आया इस जेरी तो अब आगे की ओर तो ये देखिए मतलब कुछ अच्छा मस्त लगा तो सोचा कि यहाँ पे कुछ ट्राई किया जाए तो इसमें देख सकते हैं बहुत तरह तरह के सब में कुछ ना कुछ लाइटिंग्स है तो यहाँ पे मेला घुमा हुआ समाप्त हो गया तो उस समाप्त होने से पहले कुछ झाड़मुड़ी का मजा ले लिया और अब यहाँ से देखिए एकदम अभी शाम में क्या मस्त लग रहा है लेकिन अब शांत हो गया है कुछ ही देर बाद ये भी बंद हो जाएगा मुश्किल से दस से पंद्रह मिनट बाद झाड़ लेते हैं और हम भी चलते हैं तो अब मेला हमारा भी देखा हो गया और ये रही मेरी बाइक बाइक स्टार्ट करें और सीधा अपने घर की ओर चलते हैं तो आज फिलहाल मेला से घर आ चुका हूँ और एक मजेदार सा चीज लेके आया हूँ लेकिन आते आते पता चला कि इसका कुछ सामान रास्ते में गिर गया जिस वजह से ये अच्छे से अब काम नहीं कर रहा नहीं तो बहुत मजा आता है चलाने में तो अब गया पंद्रह रुपये पानी में <laughs> कोई फायदा नहीं लेकिन चलिए अब घर आ चुका हूँ तो अब फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ फिर तो ये रहा मोड़ी तो चलिए इसका मजा लेते हैं ओ, आ, 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 वो ये कॉटन कैंडी तो चलिए इस कॉटन कैंडी का मजा लेते हैं मतलब तो बच्चा में बहुत खाते थे पहले तो घर के पास बेचने आता था घर के पास आके बेचता था मतलब दो या दो रुपया में पैकेट में छोटा छोटा अभी इसी का दाम बीस रुपया का किन खाते हैं और मजा करते हैं आप भी जाइए घूमिए और खाइए तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही मिलते हैं आप सभी से कल एक नए और मजेदार ब्लॉग के साथ सो so, टिल एक मिनट गाइज आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से विश यू हम हाँ वेरी हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर तो चलिए आज के लिए इतना ही